कॉलेज में प्राइवेट परीक्षा के फॉर्म ब्लैक में बेचे जाने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इसी के साथ ही विधायक सांसदों के लेटर पैड के आधार पर बड़ी संख्या में फॉर्म लेने वाले एसबीआर कॉलेज के प्रबंधन से सिस्टम पूरी तरह बिगड़ चुका है। कॉलेज के प्राचार्य के अनुसार विश्वविद्यालय से 2900 फॉर्म दिए गए थे, जिनमें से लगभग सभी बिक चुके हैं। कॉलेज परिसर में ब्लैक में फॉर्म बिकने की बात पर प्राचार्य ने इस स्थिति से इनकार नहीं किया। विश्वविद्यालय ने विभिन्न कक्षाओं के लिए 2900 फॉर्म इस महाविद्यालय को दिया है। 2900 फॉर्म में प्रायः सभी बिक गए हैं। मेरा ये कहना है कि किसी क्लास में एक आध बाकी होगा तो बात अलग है, क्योंकि मैं रिपोर्ट लूँगा तब मालूम पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम बिक चुके हैं। ये बात सही है कि कुछ लोग जनप्रतिनिधियों के नाम से यहाँ 10-10, 20-20 फॉर्म की मांग करते हैं और कई बार जनप्रतिनिधियों को मालूम नहीं रहता। अब एक जनप्रतिनिधि के पीए के नाम से 3 बार फॉर्म गया। इस प्रकार से फॉर्म को लड़के ले जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल है ऐसा मैं नहीं जानता, लेकिन लड़के ले जाते हैं बाहर, उसको बेचने का काम करते हैं। इसी कॉलेज का क्या, सभी कॉलेज से लड़के जो हैं फॉर्म ले जाके, जिनका कोई काम धंधा नहीं है, जो पिछले कई साल से बेरोजगार हैं, 10-20, 25-25 फॉर्म में दे दूँ, वो लड़का काउंटर जो परीक्षा देने के लिए कॉलेज में आएगा उसको काउंटर तक के आने में क्या प्रॉब्लम है। और वो व्यक्ति 10-10 फॉर्म अगर मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से ले जाकर लोगों को बांट रहा है, इसका मतलब उसका क्या स्वार्थ है? मतलब उसके पास इतना समय फालतू तो नहीं है, वो वस्तुतः उसकी कालाबाजारी कर रहा है।